अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? दिस इज़ जुगनू गेमर। आ गया मैं आज एक और ब्लॉग में, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आज हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल पे। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ मौसम बहुत, वैसे बादल चादल आए हुए हैं, मौसम तो अच्छा है, लेकिन हम लोग फिर भी, क्योंकि मुझे है ना ज़रा स्विमिंग पूल का थोड़ा सा शौक है, तो मैं इसी वजह से आज का ज़रा प्लान बनाया है स्विमिंग पूल का। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ उकाड़ा के थोड़ा सा बाईपास के आगे एक बहुत अच्छा स्विमिंग पूल, तो आज हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो आप लोग देखना, काफ़ी अच्छा स्विमिंग पूल भी है और मुझे तो बड़ा मतलब मज़ा आता है। नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए, आप मिल जाए आपको। साथ ही मेरा कज़न अवैस, जी अवैस है, और इसके साथ हम जाएंगे। क्या कहना चाहोगे, कैसा है स्विमिंग पूल? यार देख के बताएंगे, ऐसे नहीं। अच्छा अच्छा चलो, मज़ा ऐसे आएगा आपको। फिर पूरा टूर दिखाते हैं स्विमिंग पूल का पूरा व्यू। अभी हम लोग बस निकलने वाले हैं यहाँ से बाइक पे। बादल अब कुछ ज़्यादा ही होते जा रहे हैं काले, लेकिन अब फिर भी नहाने जा रहे हैं, मजबूरी है। हम लोग स्विमिंग पूल के मेन गेट पे, जहाँ से अब हम लोग अंदर इंटर होंगे। भाई का नंबर लगा लो जी। तो ये अवैध पे देखो, पर्ची पे लिखा हुआ 10, और इस जनाब साहब ने 20 रुपये पकड़ा दिए हैं, और वो सिक्योरिटी वाला भी कहता है हाँ जी दे दो सानू। अजीब है यार कसम। ये अवैध साहब हमारे बैठे हुए हैं 20 रुपये दे के, अजीब बंदा है वैसे। अच्छा जगह पे हम लोग पहुंच गए हैं, व्यू आप लोग देख लें, बड़ा प्यारा है। पूल है एक, वो सामने वाला है जो देख रहे हैं आप, वो सामने ये वाला पूल है, और इसकी बैक साइड पे दीवार है, वहाँ से लेडीज़ का पूल है, वहाँ लेडीज़ वगैरह के लिए जगह। और हैं आपको किसी का इस बात का सर है, हमें पता है। ये इनका एक और है जो मतलब काफ़ी फन अच्छा है, मतलब बहुत प्यारा है, बहुत लेवल किस्म का। ये इन्होंने अभी नहीं चलाया हुआ। ये है हमारा सामान वगैरह रखने की जगह। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अपना मोबाइल यहीं दे देते हैं, क्योंकि मेरे पास GoPro नहीं है, मेरे पास मोबाइल है। तो नहीं यार, पवित्र बच्चे हम इस पे ना आएंगे, स्विमिंग आती है। मोबाइल अब हम अपने यहीं रखवा लेते हैं, ओ ये बाद में। बच्चों वाला मतलब काफ़ी अच्छा है, इसमें बच्चे भी नहा सकते हैं और इसमें बड़े भी। तो ये देखेंगे इस तरह का है, और यहाँ से जो व्यू आ जाता है वो छोटा भी बच्चों के लिए है।
ये इन्होंने पुल वगैरह बनाया हुआ है और ये इन्होंने अभी बंद किया हुआ है क्योंकि आवाम वगैरह भी ज़्यादा नहीं है, शावर भी लगे तो हाँ, बाकी इन्होंने शावर वगैरह भी लगाया हुआ है। यहाँ से भी ऊपर बड़ा लेवल का एक माहौल बन जाता है और बड़ा मज़ा आता है कसम से यहाँ पे। तो मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं यहाँ भी नहाया था और ये है हमारा स्विमिंग पूल। ये स्लाइड है काफ़ी बड़ी। अब ऐसे इधर देख तो बादल भी काफ़ी क्लीन हो चुके हैं थोड़े से, मतलब बड़ा प्यारा है। इधर काले बादल हैं, हमारे ऊपर बड़े प्यारा मौसम बना हुआ है और ये है हमारा पूल, हमारा प्राइवेट पूल। प्राइवेट पूल है ये हमारा, जहाँ पे आवाम नहीं है। और ये इन्होंने सीटिंग एरिया वगैरह बनाया हुआ है और जो यहाँ का सबसे बड़ा पूल है ना, जो स्पेशल मतलब अगर गेस्ट वगैरह आए हुए तो उन्होंने बुक करवाना है तो बुकिंग के लिए इन्होंने स्पेशल ये वाला पूल रखा हुआ है। ये पूल मतलब काफ़ी बड़ा है और ये स्पेशल बुकिंग के वक्त ही ओपन करते हैं और इसकी स्लाइड बस छोटी है, कोई इतनी बड़ी नहीं है। तो एक ये है, वो पीछे जो इसके पीछे वाला दीवार के पीछे वाला अगर ये देखें, वो सामने ये इन्होंने बनाया हुआ है, सिर्फ लेडीज़ फैमिलीज़ के लिए बनाया हुआ है और ये हम जैसे छड़े छाँट लोगों के लिए है। प्राइवेट पूल करना है, पार्टी शार्टी प्राइवेट बुक करना है, पार्टी शार्टी उनके लिए। और चलिए फिर, तो हम खैर नहा चुके हैं तो ये वीडियो मैं खैर नहाने के बाद की बना रहा हूँ, वीडियो मैं नहाने के बाद की बना रहा हूँ। तो अब मोबाइल क्योंकि उस हमने उस वक्त रख दिया था लॉकर में, तो अब हम ज़रा थोड़ा सा नहा लेते हैं, वीडियो स्टडियो बना लेते हैं। स्लाइड, अब आपको स्लाइड का व्यू दिखाते हैं। स्लाइड से ऊपर काफ़ी ऊपर है, इसकी स्लाइड की हाइट है मेरे ख्याल से, यहाँ इन्होंने लिखी भी नहीं है स्लाइड के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं, स्लाइड की हाइट तो इन्होंने नहीं लिखी हुई, लेकिन स्लाइड ये देखें बहुत ऊपर है। ये देखें जी, ये हम ऊपर पहुंच चुके हैं, ऊपर का नज़ारा कुछ यूँ है। वहाँ बड़ी प्यारी कोठी है, नहीं सॉरी वेयर हाउस है, फैक्ट्री है। खैर ये देखें चारों तरफ खेत है, ये चबलियाँ मार रहा है और ये पीछे खेत है और उसके अलावा मौसम का यार मैं दीवाना हो गया हूँ। ये खेत अभी इसके अंदर उन्होंने लगाई हुई है मेरे ख्याल से बीज वगैरह, और वो जो है वो लेडीज़ वो हैं बच्चों का एरिया फन लैंड जिसको बोलते हैं। वो देखे वो बच्चे वगैरह खेल रहे हैं वहाँ पे। हमारे पास यहाँ दो तरह की स्लाइड है, ये है हमारे पास गोल वाली स्लाइड और ये सिंपल स्लाइड है जो मैं 3-4 दफ़ा ले चुका हूँ स्लाइड, लेकिन अब जो है ना बस हो गई है। तो आपके वैस भाई, ये वैस भाई लेंगे ना, हमारे वैस भाई अभी स्लाइड मारेंगे, हम फिर दिखाते हैं आपको। नहा तो लिया हमने, मतलब जो शौक था हमारा ऐसे घंटा एक नहाने का वो तो हमने पूरा कर लिया, लेकिन घंटा पूरा करने के बाद मेरे को ना सर्दी लग रही है। एक तो हवा भी चल रही है, हवा चल रही है, ऊपर से मुझे ना बड़ी ज़ोर की सर्दी भी लग रही है। तो इस वक्त पूल की कंडीशन तो ये है, पूल की कंडीशन तो ये है कि पीछे कोई नहीं आया, समझे, हमने हमारा प्राइवेट पूल बुक किया हुआ है, किसी का ना बताएं हमारा प्राइवेट पूल है, पैसे लगाए हैं। खैर दोस्तों, हमने तो अब फ़िलहाल नहा लिया जितना नहाना था, करीबन 2 घंटे तो
होने ही वाले हैं। अब हो गई है बस, अब जो है ना मेरी हालत हो गई है टाइट, मुझे सर्दी लग रही है बहुत यही भी किस्म की, क्योंकि मैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ही मोटा हूँ, खट्टा खट्टा हूँ, तो इसलिए मेरी हो गई है बस। तो ये जनाब साहब तो बाहर निकलने का नाम भी नहीं ले रहे, ये तो खड़े हैं अभी। खैर इसको तो अभी नहाना है, तो मज़ा बहुत आया। लेकिन बात यह है कि सुबह तक तो यहाँ पे थी गर्मी, लेकिन जब हमने प्लान बनाया, जुमे की नमाज़ पढ़ी है, आज बाय द वे जुम्मा था तो जुमे की नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद हवा और बादल आना शुरू हुए हैं, तो अभी तक बादल हैं और बहुत VIP बादल हैं, हवा भी चल रही है। धूप होती तो फिर तो 3-4 घंटे कहीं भी नहीं जाते, 3-4 घंटे हम यहीं खड़े होते हैं, यहीं पर ही नहाते रहते। लेकिन वो मुझे ज़ाहिर बात है, फिर हवा चल रही हो, फिर बादल बने हुए हैं, धूप नहीं निकल रही, तो वो फिर ना ज़रा मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है, तो इसी वजह से मैं जो है ना बस इसको शोर डाला हुआ है कि बस जल्दी चलें, जल्दी चलें और बस जल्दी से घर पहुँचें, घर चल के थोड़ा सा रेस्ट कर लें, नहा लें ना, तो थोड़ा सा ना थकान हो जाती है। तो हम क्योंकि स्विमिंग वगैरह करते हैं और स्लाइड्स टूबियाँ शुबियाँ मारना, तो और थक जाते हैं थोड़ा सा ना, तो इसी वजह से ना अब मैं फुल थक गया हूँ, मैं बस चाह रहा हूँ कि बस जल्दी जाऊँ। मुझे तो ये ज़मीन इतनी अच्छी लग रही है, मैं तो कह रहा हूँ यहीं लंबा हो जाऊँ, बेंचेस पड़े हुए हैं, यहीं लंबा हो जाऊँ मैं तो, बड़ी इस वक्त थकान है और नींद आ रही है। तो होप सो व्लॉग मेरा अच्छा जा रहा हो, अब मुझे तो बनाने कोई आता नहीं खास, ये अभी मेरा सेकेंड व्लॉग है, तो वो फर्स्ट व्लॉग तो हम जब उकाड़ा आए थे, फर्स्ट व्लॉग तो हमारा वो था, तो ये हमारा सेकंड व्लॉग है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ अभी भी नहीं समझ आ रही। तो बहरहाल जो भी है, बस आप लोगों ने सपोर्ट करना है, और मुझे आप लोग कमेंट्स में बताते रहें कि यार व्लॉग कोई भी मुझे टिप्स देते रहें व्लॉग के बारे में, कैसे ऐसे बनाओ ये वो, मुझे टिप्स आप लोग देते रहें। और दूसरा ये कि सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करना है यार, क्योंकि वो सब्सक्राइब लाइक करोगे तो मुझे तो थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी, मुझे लगेगा कि हाँ भाई आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप लोग सपोर्ट कर रहे हो मुझे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करना है। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़। घर पहुंच चुके हैं हम लोग, और अब थोड़ा सा मैं अब सोने लगा हूँ, हालत टाइट है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे याद रखना दुआओं में अपनी, अल्लाह हाफिज़।